गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपके राजगुरु राज सर के द्वारा। तो आज जो बात कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग का सिंपल स्ट्रक्चर पे। मैं पहले बता रहा हूं कि सी में प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल है, एक विदाउट फंक्शन है जो कि विदाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं, और फिर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करके आप प्रोग्राम राइट करेंगे। तो आज जो बात कर रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि कहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद क्या लिखना है। तो एकदम लाइन वाइज क्लियर करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप देखे होंगे कि हमारे हर वीडियो के लास्ट में एक यूनिक चीज मैंने जरूर बताया है डिफरेंट स्टाइल में, तो यहां भी जरूर मिलेगा। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, अब यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले लाइन वन जो फर्स्ट लाइन है यहां पे हेडर फाइल राइट करो, लेकिन हेडर फाइल के पहले कमेंट लाइन भी लगा सकते हैं, यहां पे आप कमेंट दे सकते हैं। लेकिन कमेंट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है और कमेंट हम प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं अपने नीड के अनुसार, जहां पे नीड पड़ती है। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, अगर सपोज आप अपने लैपटॉप में 50 से 100 प्रोग्राम सेव किए हैं, आप नए प्रोग्रामर हैं, तो प्रोग्राम देखने के बाद यह समझ में नहीं आएगा लिस्ट की कौन सा प्रोग्राम किस चीज का है। तो हम लोग स्टार्टिंग के कमेंट लाइन में लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज का है। सपोज दो नंबर सम करने का है तो आप कमेंट लाइन में लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर। फैक्टोरियल का है तो फैक्टोरियल्स, तो ये क्लियर होगा। लेकिन इसका यूज आगे चल के कमेंट लाइन का आपका डिफरेंट मिलेगा। और सेकेंड लाइन में भी हम यूज करते हैं वह है हेडर फाइल। ऐसे आप एक हेडर फाइल से भी बना सकते हैं। अब आती है बात लाइन थ्री का। लाइन थ्री में हम लोग मल्टीपल चीज यूज करते हैं, यहां पे आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल सिंबॉलिक कांस्टेंट, ऑलरेडी मैं सिंबॉलिक कांस्टेंट में पीछे चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। मैक्रो भी क्रिएट करेंगे, जब सी मैक्रो भी हम लोग यहां पर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद लाइन थ्री के बाद लाइन जो फोर होगा यहां पे मेन फंक्शन यूज होगा, वॉइड मेन, और मेन के यहां पे सेमी कॉलन नहीं होगा। इसके साथ हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट देते हैं। आप चाहे तो ये करली ब्रैकेट यहां भी दे सकते हैं, लाइन फाइव में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली आप लाइन फाइव में आकर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे। उसके बाद लाइन सिक्स में हम यहां पर क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और यहां पे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहां पे आप वैल्यू को इनिशियलाइज भी करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। और जो लाइन आपका सेवन होगा यहां पे होगा इनपुट आउटपुट फंक्शन, आयो फंक्शन। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं यहां पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यूज करेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो लाइन जो नाइन यूज होगा उसमें हम लोग डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को। उसके बाद लाइन टेन में स्क्रीन को जो हम रोकते हैं उसके लिए गेट सीएच लगा सकते हैं, आप स्लिप कमांड लगा सकते हैं, डिले यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रैक प्रोग्राम हो जाता है एंड, 11 में क्लोजिंग कर ली ब्रैक। इतने सारे, अब बारी बारी से देखना होगा कि आखिर ये लाइन वन में हेडर फाइल, प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं ये हेडर फाइल अपने